चले जी अंदर जाके देखते हैं, महादेव की दर्शन करके आते हैं। लेट्स मूव। अभी तो पूजा स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, सो इसलिए मैं तो ज़ोर ज़ोर से बात नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं बाहर थोड़ा बाहर उस तरफ जाता हूँ दोस्तों, अनदर साइड। गुफा के अंदर से आकर मैं दूसरी तरफ आ गया हूँ दोस्तों, जहाँ से दूर दूर का नज़ारा दिखाई देती हो और प्यारे प्यारे नज़ारा सीन क्रिएट होती है, वहाँ पर आ गया हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे लग रहे हैं सराउंडिंग्स। वाओ, हमारे गांव की टावर भी दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, बट मकाने नहीं दिख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे पेड़ हैं, और दूर दूर का नज़ारा काफ़ी प्यारे और शानदार लग रहे हैं, देख सकते हैं। ये है गुफा के अंदर के दृश्य, देख सकते हैं दोस्तों, पीसफुल शांत जगह है, सो पीसफुल प्लेस। आप देख सकते हैं दोस्तों बड़े बड़े पत्थर हैं। दोस्तों आपको कभी भी यहाँ पर आना है तो आप हमारे गांव में आ सकते हैं और इस गुफा की दर्शन और देख के जा सकते हैं। बट सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर आने से पहले आपको पानी लेकर आना है दोस्तों, क्योंकि पानी का व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। सो यहाँ पर आना है तो ज़रूर पानी की बोतल लेकर आना है दोस्तों, क्योंकि पानी इधर से गांव जाने से ही मिलती है। बहुत ही बढ़िया जगह दोस्तों, देखने में काफ़ी सुंदर और शांत सा वातावरण है, चारों ओर पेड़ पौधे हरियाली से भरा हुआ रहता है। बट अभी चेंजेस हो रही है क्योंकि पतझड़ की टाइम हो रही है ना, इसलिए पेड़ वेलो वेलो कलर्स दिखाई दे रहे हैं। बरसात के दिन में तो काफ़ी बढ़िया लगती है यहाँ पर। ब्यूटीफुल लग रहा है। और अभी मैं इस गुफा से बाहर निकल रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं, और ये है बाहर का नज़ारा, कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है, देख सकते। हर गुरुवार को इसी मंदिर में पूजा होती है तो बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, पर आज बहुत ही कम श्रद्धालु आए हुए हैं। अगले अगले कुछ दिन तो काफ़ी भीड़ होती है, शाम तक पूजा की जाती है यहीं पर। सो आज का तो दिन कुछ अलग ही लग रहा है। सो अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ दोस्तों, ऊपर में ऊपर भी कुछ देखने की जगह है, बहुत ही बढ़िया प्यारे प्यारे नज़ारे देखने को मिलती है ऊपर पहाड़ की चोटी पर। और चलिए देखते हैं, और चलो और आगे भी चलो, बहुत ऊपर चढ़ाई चढ़नी पड़ती है दोस्तों, आप देख सकते हैं। सो टायर्ड भी लग रहा है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। सो अभी मैं पहाड़ की चोटी पर आके पहुँच गया हूँ, दूर से नज़ारा दिखाई दे रही है, दूर दूर का नज़ारा गांव, बड़े बड़े पत्थर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सब कैसे काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं देखने को भी। और चलो नेक्स्ट चलते हैं, ये तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा स्टोन, बट कैसे एक ही जगह पर बैलेंस आकर है, छोटे से एरिया पे लगी हुई है नीचे, आप देख सकते हैं दोस्तों। और इतना बड़ा टोन टोन केजी का होता है, बट हाउ इट इज़ बैलेंसिंग इटसेल्फ, ये तो सोचने वाली बात है कैसे यार। यहाँ पर भी पूजा होती है, भोग चढ़ाई गई है महादेव की, ये देख सकते हैं दोस्तों, इतना छोटा सा एरिया पे कैसे बैलेंस होकर इसमें ही है। और ये भी एक पत्थर है, इसे लगता है कि किसी ने इस पत्थर को आकर इसे रख दिया गया है, छोटे से एक छोटे से पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर ही बड़ा वाला है, इसमें छोटा सा और उसमें दोनों छोटे छोटे पत्थर लगे हुए हैं नीचे। वाओ, सो वंडरफुल। पर एक पत्थर है, वाओ क्या क्या देखने को मिल रहा है। में भी भोग चढ़ाया गया है, इतना बड़ा पत्थर, वाओ। चलो नेक्स्ट, चलो चलो चलो, अभी मैं रिटर्न हो रहा हूँ दोस्तों, देख सकते हैं कितना प्यारे प्यारे सीन क्रिएट कर रहे हैं ये पत्थर सभी चलो लेट्स मूव, लेट्स मूव नीचे, क्योंकि मैं अकेला हूँ ऊपर, जो भी आए थे नीचे चले गए।
फिलहाल मैं ऊपर से गुफा के पास आ गया हूँ दोस्तों, जहाँ लोग आते हैं और वेट करते हैं, श्रद्धालु दूर दूर से। अभी वहीं पर आया हूँ और यहाँ पर बैठे हुए हैं कुछ श्रद्धालु। चलो जी, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर बैठ के। रेस्ट के दौरान एक जंगली जानवर भी कैमरे में कैप्चर हो गई, आप देख सकते हैं। अभी मैं वापस रिटर्न हो रहा हूँ, सो इसी बड़ा से चट्टान ऊपर जाके थोड़ा यहाँ का सराउंडिंग को कैमरे में कैप्चर कर लेते हैं। यहाँ से जो ऊपर दिखाई दे रही है श्रद्धालु। और दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।